नमस्कार ऑल ऑफ यू, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू गाइज आर फिट एंड हेल्दी एट योर प्लेस. सो टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू सॉल्व अवर टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज. ओके, सो ओपन योर टेक्स्ट बुक एज वेल योर फेयर नोटबुक, बिकॉज टुडे वी आर गोइंग टू राइट अवर एक्सरसाइज 3. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. रेडी विथ योर पेंसिल इरेजर and fair notebook. Okay, so first of all open your book and write down chapter's name. Chapter 6, living and non-living things, and today's date. Okay, classwork, and write down question number one is, name any 5 features of living things. यानी living things जो है उसके हमें 5 features लिखने हैं. Any 5 features. Okay, so answer is, living thing can move, grow, breathe, need food, feel changes and reproduce. These are the 5 features of living things. यानी living things है में ये पांचों things होती है ना. कौन कौन सी? They can move, they can grow, they breathe, they need food, they feel changes around them and they reproduce. Okay, so write down with very good handwriting. Okay, question number 2, with the help of examples, mention 2 ways in which plants show movement. Yani plants movement karte hain, hai na. We all know that plants are moving because they are living thing, but we have to mention 2 ways, hai na. Aise 2 raste विथ एग्जाम्पल हमें यहाँ पे लिखने हैं, जिससे हम प्रूव कर सके दैट प्लांट्स शो मूवमेंट. ओके, सो आंसर इज, फर्स्ट वन, लीव्स ऑफ द मिमोसा प्लांट क्लोज व्हेन टच्ड. यानी मिमोसा प्लांट है जिसे हम टच करते हैं तो वो क्लोज हो जाता है ना. दैट शो प्लांट्स हैव मूवमेंट. प्लांट्स के पास मूवमेंट है, दे कैन मूव. तो मिमोसा प्लांट है वो क्लोज हो जाता है व्हेन वी टच्ड. ओके, सेकेंड थिंग, अ लोटस फ्लावर ओपन्स आउट एट सनराइज एंड क्लोजेस एट नाइट. यानी जो प्लांट्स होते हैं वो लाइट की वजह से भी मूव करते हैं, सनलाइट की वजह से भी. जैसे लोटस फ्लावर है वो ओपन अप हो जाता है व्हेन सनराइज एंड इट क्लोजेस एट नाइट. नाइट पे वो क्लोज हो जाता है. ओके, तो इट शोज दैट व्हेन सनलाइट होती है, व्हेन सनलाइट इज ऑन, तो दे ओपन अप एंड इट क्लोज. यानी नाइट तो दे very close. Okay, so these are the 2 examples, these are the 2 ways with example which shows that plants have movement. Okay, third one, how do plants get their food? Yani plants hai wo kaise apna food lete hai? We all know they can't move, hai na, move around place to place, they can't move. And they don't have to move because they can make their food by their own. But वो कैसे बनाते हैं वो हमें यहाँ पे लिखना है. Okay, तो answer is, plants make their own food in the presence of air, water and light. जब sunlight होती है, water होता है and air होती है, तो इन तीनों से इनका food बनता है ना, process में. तो प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, वाटर एंड लाइट, राइट. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डू एनिमल्स रिप्रोड्यूस? यानी वो
रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, अपने ही तरह का जो एनिमल है वो कैसे वो जन्म देते हैं, हाउ? तो आंसर इज एनिमल्स रिप्रोड्यूस बाय ईदर लाइंग एग्स और गिविंग बर्थ टू यंग वंस। यानी एनिमल्स है वो कैसे जन्म देते हैं, वो अंडे को जन्म देते हैं या फिर वो यंग वंस यानी छोटे बच्चे को जन्म देते हैं। ओके, सो हाउ डू एनिमल्स रिप्रोड्यूस? एनिमल्स रिप्रोड्यूस बाय ईदर लाइंग एग्स और गिविंग बर्थ टू यंग वंस। ओके, नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 5। गिव एनी 5 डिफरेंसेस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। हमें 5 डिफरेंसेस लिखने हैं। आपकी फेयर नोटबुक में इस तरह से नहीं लिख पाओगे आप लोग, है ना? तो व्हाट यू हैव टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट डाउन दिस कॉलम एंड देन यू हैव टू राइट डाउन नॉन लिविंग थिंग्स कॉलम। ओके, तो पहले आप यहाँ अच्छे से स्टार करके लिखेंगे, आंसर लिखो पहले, देन लिखो लिविंग थिंग्स। ओके, देन 1, 2, 3, 4 एंड 5 नंबर करने हैं और आपको लाइन में 5 डिफरेंसेस लिखने हैं एंड देन ये लिविंग थिंग्स के डिफरेंसेस ख़त्म होने के बाद यू हैव टू राइट डाउन नॉन लिविंग थिंग्स डिफरेंसेस। ओके, सो फर्स्ट डिफरेंस इज, देखो मैं जब आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ तो दोनों साथ में ही एक्सप्लेन करूँगी। ओके, आपको लिखने अलग अलग है पर व्हेन आई एक्सप्लेन इन दिस टेबल ओनली। ओके, सो फर्स्ट डिफरेंस, लिविंग थिंग्स कैन मूव ऑन देयर ओन। यानी लिविंग थिंग्स है वो खुद से चल फिर सकती है। नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट मूव ऑन देयर ओन। नॉन लिविंग थिंग्स है वो खुद से चल नहीं सकती, वी हैव टू मूव देम, है ना? हम जो लिविंग थिंग्स है उन्हें हम मूव करते हैं, उनको हम मूव करते हैं तभी वो मूव कर पाते हैं। सेकेंड डिफरेंस इज, लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ। यानी लिविंग थिंग्स है उन्हें ब्रीथ करने के लिए एयर चाहिए। सो नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रीथ, उन्हें तो ब्रीथ ही नहीं करनी होती, है ना? टेबल, फर्नीचर या फिर बुक्स ले लो, ये सारी नॉन लिविंग थिंग्स है तो दे कांट ब्रीथ, है ना? वो ब्रीथ ही नहीं करते। लिविंग थिंग्स, थर्ड डिफरेंस इज, लिविंग थिंग्स नीड फूड टू ग्रो। वो बढ़ते हैं, है ना? लिविंग थिंग्स बढ़ते हैं तो दे, उन्हें बढ़ने के लिए क्या चाहिए? दे नीड फूड, उन्हें फूड चाहिए टू ग्रो। एंड नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो विथ टाइम, वो टाइम के साथ ग्रो नहीं करते। बुक कभी बड़ी होती है? नो। पेंसिल? नो। दे कांट ग्रो, है ना? वो ग्रो नहीं होते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस इज, लिविंग थिंग्स फील चेंजेस अराउंड देम। यानी लिविंग थिंग है वो अपने आजू बाजू जो फील चेंजेस होते हैं वो फील कर पाते हैं, है ना? बट नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट फील चेंजेस अराउंड देम। बट नॉन लिविंग थिंग को कुछ नहीं फर्क पड़ता उनके आजू बाजू क्या होता है, उन्हें फील ही नहीं होता, है ना? एंड लास्ट डिफरेंस इज, ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर एग्जांपल्स ऑफ लिविंग थिंग्स। यानी हम इंसान हैं, प्लांट्स हैं एंड एनिमल्स हैं, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ लिविंग थिंग्स, वो सारी लिविंग थिंग्स है। ओके, नाउ नॉन लिविंग थिंग्स के आपको एग्जांपल्स लिखने हैं तो बुक, पेंसिल एंड बेड आर एग्जांपल्स ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। ये तो सिर्फ 3 चीज़ें लिखी है, देर आर मैनी थिंग्स, है ना, जो नॉन लिविंग है। फर्नीचर ले लो पूरा, बिल्डिंग खड़ी है, है ना? बाहर हम जाते हैं तो ये बसेस है, व्हीकल्स है, दीज आर दी नॉन लिविंग थिंग्स। दे कैन मूव बट दे कांट मूव विथआउट द हेल्प ऑफ ह्यूमंस, है ना? लिविंग थिंग्स के हेल्प के बिना दे कांट मूव,
to these are the non-living things. Now open the textbook, page number 67. Let's observe. See, अभी हमने क्वेश्चन एक करा है ना, सेकेंड क्वेश्चन. विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल मेंशन टू वेज इन विच प्लांट शोज मूवमेंट. तो प्लांट्स कैसे मूवमेंट करते हैं वो हमने यहाँ पे लिखा. ये यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा. सी, लेट्स ऑब्जर्व. ऑब्जर्व द गिवन पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. तो क्वेश्चन ए, विच फीचर of living things is observed in this picture. आपको इस पिक्चर में living things की कौन सी चीज है वो आपको ऑब्जर्व करने को मिलती है. देखो, that plants feel the changes around them. वो अपने आजू बाजू के changes को feel करते हैं. When we touch, they close, है ना, तो they can feel. And second thing you can see, plants grow towards light. वो light के सामने grow करते हैं, है ना. Lotus plant देख लो, sunflower देख लो, they are growing towards light. तो it's so easy, you have to write down answers here. Now see the question number B, name another plants that shows movement. It's mimosa. है ना, राइट डाउन आंसर. MIMOSA, मिमोसा. डन. नाउ सी द सेकेंड क्वेश्चन. इन द स्पेस प्रोवाइडेड ऑर्गेनाइज्ड ड्रॉ वन नॉन लिविंग थिंग फाउंड इन योर क्लासरूम कलर एंड लेबल इट. यू हैव टू ड्रॉ वन नॉन लिविंग थिंग्स दैट यू फाउंड इन योर क्लासरूम. आपके क्लासरूम में ऐसी कौन सी नॉन लिविंग थिंग है जो आपको ड्रॉ करनी आती है. यू हैव टू ड्रॉ हियर इन दिस स्पेस प्रोवाइडेड. ओके, एंड कलर इट एंड लेबल इट. और वो कौन सी चीज़ है आपको लेबल भी करनी है कि ये बेंच है, ये कबर्ड है, ये स्कूल बैग है ना, बहुत सारी बुक्स है. तो यू हैव टू ड्रॉ हियर, label and color it. Okay, now let's connect. Repeated addition is called multiplication. Multiplication का मतलब क्या होता है? Repeat additions, है ना, हम repeatedly addition करते हैं तो वो multiplication हो जाता है. तो do simple multiplication to get answer the following questions. First one है, if a hen lay 12 eggs every week, how many eggs does it lay in 6 weeks? वो क्या करती है, हैन है, वो every week यानी 1 week में 12 eggs देती है ना. तो how many eggs does it lay in 6 weeks? एक week में 12 eggs, तो 6 weeks में how many? तो 12 इंटू 6 इट 72 एग्स. वो 6 वीक्स में कितने एग्स देती है? 72 एग्स. नाउ सी द सेकेंड वन, इफ हाफ अ डजन सीड्स ग्रो इंटू न्यू प्लांट्स एवरी 3 डेज. एवरी 3 डेज में हाफ डजन यानी 6 सीड्स है वो ग्रो होती है न्यू प्लांट्स में. तो हाउ मैनी सीड्स ग्रो इन टू न्यू प्लांट्स इन 15 डेज. तो 15 डेज में कितनी सीड्स है वो प्लांट्स बन जाएगी. ओके, तो इन 3 डेज देर आर 6 सीड ग्रो इन टू न्यू प्लांट, है ना. यहाँ पे लिखा है कि इन 3 डेज 6 सीड ग्रो इन टू न्यू प्लांट्स. तो इन 15 डेज हाउ मैनी सीड्स ग्रो इन टू न्यू प्लांट्स. तो 15 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 3 तो इज इक्वल टू 30 प्लांट्स. तो 15 डेज में कितने प्लांट्स ग्रो होंगे? देर आर 30 प्लांट्स. ओके, नाउ सी दिस, हियर इज अवर एक्टिविटी. लेट्स क्रिएट.
grow an onion from its stem. यहाँ आपको क्या करना है, हमने एक एक्टिविटी करी, हमने बीन्स को ग्रो करा, बट हमने वो कैसे ग्रो करे, बाई सीड्स, है ना, हमने सीड से उसे ग्रो करा और हमने उसे सॉइल में ग्रो करा. यहाँ पे एक ऑनियन हमें ग्रो करनी है बट बाय देयर स्टेम. ओके, तो सी नाउ कि हम ये कैसे करेंगे. प्लेस एन ऑनियन ऑन द माउथ ऑफ अ जार फिल्ड विथ वाटर टिल द टॉप. आपको एक ऑनियन लेनी है और आपको ऐसे उल्टी रखनी है, उसका जो माउथ है वो जार के अंदर होना चाहिए और पूरा जो जार है यहाँ तक, पूरे उसके माउथ तक पानी भरा रहना चाहिए, लाइक इन द पिक्चर. आपने ऐसे जहाँ पे पिक्चर में देख सकते हो, यहाँ तक पूरा पानी भरा होना चाहिए और ऐसे उल्टी जो है वो ऑनियन हमें यहाँ पे रख देनी है. लीव द अरेंजमेंट ऑन अ विंडो सील. आपको विंडो के सील के साइड ये रखना है, विंडो या गैलरी में रख दो, है ना, और इन द वरंडा और अ बालकनी फॉर टू डेज. आपको ये दो दिनों तक अपनी बालकनी, अपनी वरंडा या फिर आपके विंडो सील पे ये रखनी है. ऑब्जर्व एंड ड्रो वॉट यू सी आफ्टर टू डेज. आपको ये ऑब्जर्व करना है और ड्रॉ, यहाँ पे ड्रॉ लिखा है बट यू कैन टेक पिक्चर्स ऑफ इट. ओके, आप, मैंने जैसे आपको पहले बोला था, आप उनके पिक्चर डे बाय डे लेके मुझे सेंड कर सकते हो कोलाज बना के. देन फील सॉइल इन द जार इंस्टेड ऑफ वाटर एंड शो द ऑनियन विथ इट्स रूट्स इनसाइड द सॉइल एंड लीव इट आउटसाइड. आपको क्या करना है, फिर दो दिनों के बाद उनके जो है नीचे जो है स्टेम आ जाएंगे, तो आपको फिर क्या करना है, उसमें सॉइल फिलअप कर देनी है. ओके, वाटर निकाल के आपको उसमें सॉइल डाल देनी है. नॉट योर ऑब्जर्वेशन रेगुलरली टिल द लीव्स कम आउट. आपको दो दिन में नीचे जो है वो सिर्फ क्या मिलेंगे, रूट्स मिलेंगे, सॉरी मैंने अभी आपके बोला स्टीम, स्टीम नहीं, आपको सिर्फ रूट्स मिलेंगे, वो आपको सॉइल में डाल देने हैं. फिर सॉइल में डालोगे तो क्या होगा, यहाँ से आपको स्टीम्स मिलेंगे, है ना, तो वो आपको नोट करना है कि ऑब्जर्वेशन हर रोज़ क्या होता है. आफ्टर अ मंथ और सो हैज़ द वन ऑनियन मल्टीप्लाइड. फिर आपको देखना है कि एक पूरा महीना होने के बाद उसमें से प्लांट होके क्या ज़्यादा ऑनियन बन पाती है. राइट अ डिटेल रिपोर्ट ऑन व्हाट यू ऑब्जर्व्ड. आपको पिक्चर लेके फिर उस पिक्चर के नीचे या फिर पिक्चर के नीचे थोड़ी सी नोट डाल देनी है कि आज ये इतना बड़ा, उसके रूट्स आ गए, है ना, उसके स्टीम आ गए या फिर ये प्लांट हो गया, है ना, तो ये सारी ऑब्जर्वेशन यू कैन राइट डाउन इन योर नोटबुक. आप ये भी कर सकते हो, आपने बहुत सारी पिक्चर्स ली एक मंथ में तो बहुत सारी 35 पिक्चर्स आ जाएंगी, है ना, तो आप ये कर सकते हो कि आप सारी पिक्चर्स के नोट डाउन अपनी फेयर नोटबुक में पिक्चर वन, पिक्चर टू, पिक्चर थ्री करके लिख सकते हो. ओके, सो दिस इज़ अवर एक्टिविटी, डू इट, यू विल गाइज एन्जॉय, है ना, बहुत मज़ा आएगा. और मैंने जैसे आपको कैरेट और वो सिखाया था ना पोटैटो ग्रो करना, यू कैन ऑल्सो ग्रो इट, है ना, आपके घर में ऐसे पड़े हैं जार, तो आप उसमें ये भी कर सकते हो और देख सकते हो कि हाउ प्लांट्स ग्रो, और आपकी छोटी सी मिनी गार्डन भी हो जाएगी और यू कैन टेक पिक्चर्स एंड यू कैन सेंड मी. ओके, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड टेक केयर.